नमस्कार दर्शक बंधु, आज समय कौन सी व्यक्ति को चिन्हवाई बहुत बुद्धि आवश्यक पड़ी था। जदि आमर से ही प्रखर बुद्धि ना तो लोक केमिति लोक भल लोक ना खराब लोक आम जापर ना यहाद्वारा आम ठकामी शिकार होता। आज मुमी एक कथा कह जहाँ अति सरल जहाद्वारा आम प्रत्येक लोक चिन्हवाई एत कष्ट पड़ब ना। आम सहित संपर्क रखि लोकटी ठीक लोक ना भूल लोक यह आम जापर। बणिया जत सुना को परीक्षा करे यह असली सुना ना नकली सुना सेत बड़े से सुना को प्रथम घसी और रगड़ी देखे तापर सुना को काटिकी देखे तापर सुना को बाड़ी देखे शेषर ताक निरे उत्तप्त करी जल देखे। ठीक सेमती व्यक्ति को चिन्हवाई चारोटी पर्यायर देखा दरकार। आसतु चारोटी उपाय द्वारा आम जाना एक छोट छोट उदाहरण मध्यम से व्यक्ति भल ना खराब। प्रथम उदाहरण गोटे व्यक्तिर बहुत स्थिर हो जाता। से व्यक्ति बहुत पूर्व एक छोट भोजीर आयोजन करा तार सांग मानक एक छोट फिस्ट देवाई। से फिस्ट पार्टी रे से झील और से पुओ दुईज उभय उपस्थित थिले। से पुओ से झील को बहुत भल पाला जेहेतु से झील देखा बहुत सुंदर थिले और बहुत स्मार्ट भी थिले। हठात कौन सी कारण भोजी हो स्थान निया लगला से निया एमती जलला नियंत्रण बाहर थिला। से निया पाखरे से झील एक सुना अलंकार ब्याग रही जाता। सेठार से झील समस्त सामने कहला मोर हेबाक जाउतिया पति मते बहुत भल पाते तेणु से मोपाई से निया भितर मो अलंकार ब्याग मते आनिकर देबे। एमती कथा शुणी संगे संगे ए व्यक्ति जनक बहुत भाभी चिंती निष्पत्ति नेला से झील पाई निया भितर को प्रवेश करिवो। जेहेतु से व्यक्ति बहुत साहसी थिले से निज जीवन को बाजी लगाई समस्त सम्मुखरे निया भितर को गले एवं अलंकार ब्याग को नहीं आसिले। से अलंकार ब्याग आनिबा परे समस्ते बहुत प्रशंसा कले। से झील मध्य बहुत गर्व अनुभव कला किंतु से पुओ समस्त सम्मुखरे से झील को कहला मु तुमको विवाह करि पारिबि नाही। ए प्रश्न मध्य मोर आपण मानक पाई से व्यक्ति एमिति काहेकि कहला यार प्रकृत उत्तर हेउछि से झील सामान्य अलंकार ब्याग पाई तार हेबाक थिबा स्वामी को निया भितर को पठाइला। सेठी स्वामी जीवन बड़ ना अलंकार ब्याग बड़ सेठी से युवक जनक से झील पाई निज जीवन को बाजी लगाइदेला किंतु से झील सामान्य अलंकार को त्याग करिपारिला नाही। एठी कहार केते त्यागर भावना रहउछि तेणु व्यक्ति को चिन्हिबा पाई प्रथम व्यक्तिर त्यागर भावना को परीक्षा करिया दरकार। त्याग व्यक्तिर केते अछि द्वितीय कहानी हेउछि मोर एक सांग थिला तार विवाह करिवार थिला। से विवाह प्रस्ताव रे चारि जण झियो को देखिथिला। से झियोंकर फोटो देखाई मते कहिला मु काहा को विवाह करिवि। प्रथम झियो बहुत भल रोसई करे द्वितीय झियो बहुत कामधंदा करे तृतीय झियो बहुत सुंदर कथाबार्ता करे चतुर्थ झियो विषय किसी जानी पारली ना किंतु से देखा को बहुत सुंदर। किसी समय पर मोर सांग कहला मु चतुर्थ झियो सहित विवाह कले केमती होता। मु कहली तू चतुर्थ झियोर विषय किसी जापारू ना पुणी कहचु ता सहित तू सारा जीवन बीतु। यह मो सांगर एक भूल निष्पत्ति अटे। आचार्य चाणक्य कहती बहुत गुण को देखि करवा उचित सुंदर रूप को देखि नुहे तेणु व्यक्ति को चिन्हक तार गुण को चिन्हवा दरकार व्यक्तिर गुण भल ना खराब। तृतीय कहानी आम सबु समय अन्यर शिक्षा और अन्यर अर्थ को देखि आम संपर्क तैयारी करमर भूल निष्पत्ति अटे। आम संपर्क जोड़ा पूर्व तार कर्म को देखा दरकार। आचार्य चाणक्य कहते जदि कौन व्यक्ति अन्याय कर्म कर धन उपार्जन करुए ता सहित संपर्क रखा हितकर नुहे कारण तार कुप्रभाव आम उपर पड़ता है। तृतीय व्यक्तिर कर्म को देखा दरकार।
ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଚତୁର୍ଥ ଉଦାହରଣ, ଚତୁର୍ଥ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର କେମିତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର କେତେ ଭଲ ନା ଖରାପ। ଯଦି ଚରିତ୍ର ଭଲ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଦା କୁଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଚରିତ୍ର ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ତ୍ୟାଗ ଭାବନା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ, ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମେଜରିଂ ସ୍କେଲ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କି ଖରାପ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।